हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल वॉयजर। अभी हम हैं कच्छ में एंड वी आर ट्रैवलिंग ऑन अ टू व्हीलर और हम जा रहे हैं यूनिक एक्सपीरियंस के लिए। दिस एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट स्टेइंग इन कच्छ एंड एक्सपीरियंसिंग द लोकल लाइफ ऑफ कच्छ। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट ब्लॉग, ये थोड़ा अलग ब्लॉग होने वाला है। सो बने रहिए और एक्सपीरियंस लीजिए कच्छ की लाइफ का। This will be the common sight when you travel in Kutch. Kim Shiv? Kim Ji? आज की रात हम यहीं बिताएंगे। इनकी मम्मी आ गई है, गेट के बाहर खड़े हैं। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे बिकॉज वी आर नॉट दैट एक्वेंटेड टू देम। इनके लिए सारी तैयारी की जा रही है ताकि वो जैसे ही अंदर आए उनको बांध दिया जाए। दिस इज 8-day-old काफ। We will record this from a distance. माँ और बच्चे का मिलाप। अभी ये रात भर यहीं रहेंगे और फिर दिन में वापस निकल जाएंगे चरने के लिए। वी आर स्टेइंग विद देम। नाउ दे आर मिल्किंग द काउ। ये देखो पूरा जार भर के दूध निकल आए। आ केटलू हसे 3-4 लीटर, ऑलमोस्ट 3-3.5 लीटर्स ऑफ मिल्क। ये बोल रहे हैं कि एक टाइम पे ये ऑलमोस्ट 5-5.5 लीटर्स मिल्क देते हैं, बट एज दे हैव अ काफ तो इसके लिए वो सिर्फ 3 लीटर के आसपास ही दूध निकालते हैं। और एक आ गए। केम जो राम राम। ओह उड़ क्या क्या नहीं उड़ खाए नहीं पड़े उड़ क्या जो और घटी क्यों सही। अरे सु बात करो। घर आने के बाद वो अपने पूजा करते हैं। सो दिस इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कच्छ। अभी आरती का टाइम है और आरती हो रही है इस मंदिर में।
बोलो किम जो मजा मा हमारो भाई बन राम जी सुख हो जो शांति है जैकेट वैकेट नाखी ने मस्त ट्रैक्टर चलाओ के बजे सारू जे वातावरण કોબી અને મરચા નો સંભારો બને છે જમવાની તૈયારી ચાલુ થઈ ગઈ છે બાજરે કી રોટી બનાને કે લીએ ચૂલા તૈયાર કિયા જા રહા હે દિસ ઇઝ ધી મોડર્ન સિગડી ઇસકે પહેલે સિગડિયા હોતી થી मिट्टी की बनी हुई सिगड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है उसके ऊपर डाला है तावड़ी और यहाँ पे है बाजरी का आटा छान के रेडी कर रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके आपने देखा कैसे आटा भून दिया गया है हाथ से टैप करके रोटी तैयार कर रहे हैं और ये गई तवे पे ये मिट्टी की बनी हुई है इसलिए इसको तावड़ी बोलते हैं By the time it gets cooked, यहाँ पे और एक रोटी की तैयारी शुरू हो गई है सेम प्रोसेस रिपीट होगा और वापस वैसे ही रोटी बनाई जाएगी सो वी विल बी हैविंग बाजरे का रोटी इन डिनर टुडे एक साइड से हल्का पक चुका है So now that's why they have flipped it. यहाँ की रोटी का थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है compared to what we see in our cities. Done. इसके ऊपर अप्लाई होगा घी We have khichdi, बाजरे का रोटला सैलेड छाछ एंड सम्बारिया एंड वी हैव लहसुन चटनी इसका जो मिठास है चूल्हे पे बनने का और बाजरी का नेक्स्ट लेवल है देसी बाजरी इसके साथ खिचड़ी अल्टीमेट सिंपल बट सोलफुल मील चीयर्स आनंद आ गया खाना खा के एंड नाउ वी विल टेक अ रेस्ट बातचीत करेंगे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन वी विल गो टू स्लीप ऑन द टेरेस सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद हमने चेंज कर लिया है ड्रेस और अब हम जा रहे हैं ऊपर टाइम पास करने एंड टू स्लीप इन द ओपन स्काइज चलो बाय बाय आज हम यहाँ सोने वाले हैं इन द ओपन स्काइज यहाँ से पूरा विलेज का व्यू आ रहा है
और वो जो रेड लाइट्स दिख रहे दोस आर ऑल विंडमिल्स एंड दिस इज गोइंग टू बी माय बेड फॉर टुडे। हम थोड़ी देर टाइम पास करेंगे, मैच देखेंगे, बातें करेंगे, ओल्ड मेमोरीज रिफ्रेश करेंगे और फिर सो जाएंगे। विल मीट यू इन द मॉर्निंग। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग। लोग उठ गए हैं और अपने दिनचर्या में लग गए। और ये नजारा देखो, हम यहाँ पे सोए थे आज रात को एंड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। इट वॉज चिलिंग, जब भी हवा चलती थी एंड वी कैन सी अ मॉर्निंग बस पासिंग बाय। अंकल भी उड़ गए। So by the time we capture the sunrise, I mean time lapse of sunrise, हम जाके थोड़ा fresh हो जाते हैं। And you enjoy the time lapse. हमें सनराइज का ट्रांजिशन तो नहीं दिखा, बट एटलीस्ट वी सॉ ट्रांजिशन ऑफ नाइट टू डे। चलो अब नीचे जाते हैं एंड लेट्स प्ले विद काउस। बॉडी मसाज मजा आ रहा है इसको। ये इसकी मम्मी है। विच इज मेकिंग दिस साउंड वार्निंग एस डोंट कम नियर मी, है ना? टू स्टे लिटिल अवे फ्रॉम हर। और उसको हम अभी रोटी खिलाएंगे। You can see the sunrise happening now. Let me give you a tour of this house. Generally, सारे ही घर इस गांव में ऐसे ही है। So from gate, यहाँ पे ही है बाहर इनके washroom, like wash area, toilet and bathroom. और यहाँ पे है मोरी, जो हम लोग बोलते हैं, अ प्लेस वेयर दे वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। फिर ये इनका आंगन है। शिव चुप रहा है। एंड दे हैव फ्यू ट्रीज ओवर हियर। ये लेमन ट्री है, ये कड़ी पत्ता, ये देखो कितना ठंडी था रात में। Then here they have cows इनके आंगन में। This is the spare room जो वो use करते हैं, जो अपने दादाजी है वो यहाँ पे रहते हैं। और वो है store room। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब agriculture का सामान रखा हुआ है।
इसके अंदर है मूंगफली, और ये है घर। ये हॉल, दो रूम एंड यहाँ पे है किचन। सो नाउ लेट्स एंजॉय द वेदर एंड क्लाइमेट वॉचिंग दिस काउस। मैं मॉर्निंग टी, और ये सब जा रहे हैं अभी बाहर चारा चरने के लिए, और चुराएंगे रिटर्न इन द इवनिंग। So after enjoying tea, अभी बारी है क्रिकेट खेलने की। अब जाना है खेतों पे, जिन पीड़ जहाँ पे हाथी जो पाका गए थे उनको ये खाना देंगे। हम जाएंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे, ओला S1 प्रो। We are doing a little bit of off-roading. I am impressed with the performance of electric scooter Ola S1 Pro on this off-road. और हम पहुंच गए। Five acres of land. अपने में सुसु नहीं कुछ हमना। Zero मगफड़ी। घास जैसा वो जीरे का पौधा है, अभी ग्रो होगा वो। दिस इज जस्ट द इनिशियल स्टेज। 15 डेज 15 दिवस। अच्छा, बापा आवे जे, बापा सवार नहीं आ भी गया था खेतर संभाड़वा। 5 एकड़ नु जीरु 5 लाख ना पुटला छे। अच्छा, અને કેટલા 90 દિવસ માં થઈ જાય? 90 દિવસ 3 મહિના લાગે। અને આ સીઝન માં ઠંડી માં એટલે આવે જાન્યુઆરી માં, જાન્યુઆરી ની ફેબ્રુઆરી નીકળી, ફેબ્રુઆરી માં નીકળી જાય, ફેબ્રુઆરી ની એન્ડ આવતા આવતા 11મા મહિનાની સ્ટાર્ટિંગ થી કરીને 11મા મહિનાની 15 તારીખ સુધી થાય ને, સારું થાય, પછી લેટ થાય, થોડો ઉતારો ઓછો આવે। અચ્છા, આ એકડે એમ જી લો અત્યારે 12-15 મણ થાય, તો પછી 11મા નવેમ્બરના 15 તારીખ પછી વાવી તો એમાં એમ જી લે 8-10 મણ નું આવે। સારો ભાવ આવે તો મફળી લાવી દીધું આવે, મોકલી દો, મોકલી આપો, એમ વેચાઈ જાય, વેચાઈ જાય। ટાઈમ ટુ ગો બેક। सो अभी खेतर घूमने के बाद अभी हम जाएंगे हमारा गांव एक्सप्लोर करेंगे इन कच्छ, और एक मंदिर पे जाके दर्शन करेंगे माता जी के। चलो आपको मैं मेरा गांव एक्सप्लोर करवाता हूँ। कल हमने शाम में यहाँ पे आरती देखा था, बाबू दादा का मंदिर है ये, और ये वो चौराहा है जहाँ पे आके दोपहर में बड़े बुजुर्ग पत्ते खेलते हैं, बातें करते हैं, चाय पीते हैं और टाइम पास करते हैं।
दिस इज वन ऑफ द प्रोविजन स्टोर इन द विलेज. यहाँ पे आपको जरूरतमंद चीजें मिल जाएंगी, डेली नेसेसिटी आइटम्स. वी आर बैक और अब हम सब जाएंगे लेक पे, जहाँ पे बहुत सारे लोटसेस होंगे. सो लेट्स गेट रेडी. ये है लोटस लेक. इतने सारे लोटस उगे अभी. चलो आगे से हम आपको वो व्यू दिखाते हैं. ओछा थी गया ना एटला बढ़िया था. ये देखो पिंक लोटस. A good spot to spend your evenings. Go back to Phuleshwar Mahadev temple. Now we'll continue towards Phuleshwar Mahadev temple. मंदिर के पास ही है अतिथि भवन, विश्राम गृह. सो यू कैन कम एंड स्टे ओवर हियर. चलिए चलो. आ गया अपना फार्म. इसे यहाँ पे वाड़ी बोलते हैं. एरंडिया की खेती हुई है. हम ट्रैवल कर रहे हैं ओला S1 प्रो पे. मज़ा आ रहा है. इट हैज़ अ गुड सस्पेंशन. और ये है कुंड. कुएं से पानी खींचा जाता है. और यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है. सो दिस इज़ द ओल्ड टेक्निक. अभी वो चेंज हो गया है. वो पानी यहाँ आता था, फिर यहाँ से उसको लाइन बना के छोड़ दिया जाता था खेतों में. ये साइड पे है कॉटन और ये साइड पे है एयर इंडिया. कमेंट करके बताइए एयर इंडिया को क्या बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में. कपास વીણીને માર્કેટમાં હલાવવાનો, પછી ત્યાં કણ ગાંસડી પેક થાય. અચ્છા, આવી તક જશે પ્રોસેસિંગ માટે. આનું પ્રોસેસિંગ થશે ને હવે? હા, આ ત્યાં મિલમાં જાય, ત્યાં પ્રોસેસિંગ થાય, પછી ત્યાં કણ ગાંસડી બને. ગાંસડી બનાવી પછી કોટન માટે કપડા માટે. અચ્છા, એરંડા દિવેલા માટે. દિવેલ દિવેલા તેલ. કરેક્ટ, ધેટ ઇઝ ધ અધર વર્ડ વિચ વી યુઝ, દિવેલ કા તેલ. भी वो थोड़ा इरिगेशन के बारे में बता रहे. इन्होंने जो पंप लगाया है, ये ड्रिप इरिगेशन है. सारे फार्म में इससे यहाँ से ही पानी जाता है. अच्छा, ड्रिप इरिगेशन का पाइपलाइन है, मशीन है ये? ये उसका हेड यूनिट है. अच्छा, यहाँ से पानी सप्लाई होता है पूरा. ओके, और पाइपलाइन पूरा अंडरग्राउंड है. और ये पूरा निकाला है? हाँ, निकाला हुआ है. इसका प्रोसेसिंग होने के बाद ऐसा दाना निकलेगा. आई होप यू आर सीइंग समथिंग न्यू इन दिस व्लॉग.
अच्छा और एक फार्म है, अच्छा इनका और एक फार्म है वो भी बताएंगे, जहाँ पे वो डेट्स उगाते हैं खारिक। दिस इज द स्मॉल ट्रैक्टर आतड़खेड़, इतले जो फसल लगा हुआ है उसके बीच में निकालने के लिए। अच्छा इसके लिए इसका साइज छोटा है, जो फसल रहता है उसके बीच में जो खेड़ करने के लिए। ओके, और उसके साथ यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, या इफ इफ वी कैन कॉल इट इक्विपमेंट्स, वो पंप है जो स्प्रे करने के लिए, स्प्रे मशीन। दैट्स द स्प्रे मशीन। चलो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जानकारी हम बताते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। अब चलते हैं दूसरी जगह। आ गया दूसरा फार्म, मैंगो सैपलिंग एंड कोकोनट सैपलिंग। और वो सब जो बड़े पेड़ दिख रहे हैं वो है डेट्स ट्री, वो इंपोर्ट करके लगाए गए हैं इजराइल से। ये क्या है? चिकू। दिस इज चिकू सैपलिंग। और बीच में ग्रो किया है कॉटन, जो आप ये पेड़ देख रहे हो डेट्स के बीच में। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड। ये इनका स्टोर रूम। लेट्स टेक अ एरियल व्यू ऑफ दिस प्लेस। ये है कॉटन और वहां पे है खजूर के पेड़। यहाँ पे है चिकू मैंगो एंड कोकोनट ट्रीज, जो कि सैपलिंग्स अभी जस्ट लगाए हैं। एंड वो रहा दूर हमारा गांव। एंड वी कैन सी अ विंडमिल। दिस इज मैन मेड तालाब। रेन वाटर को यहाँ पे स्टोर किया जाता है एंड देन इट इज बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड फॉर कैटल्स। वहाँ पे मस्त कुर्सी लगा के छाव में बैठ जाओ और इंजॉय करो। Enjoying cool breeze in this shade and this beautiful view. पूरी थकान ऐसे दूर होते हुए लग रही है and we are getting re-energized. अब ये सब खेती करने में यूरिया या ऐसे कुछ यूज करते हो? नहीं, ओनली ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कॉटन में करते है, ये खारेक में नहीं। खारेक में नहीं है। तो दिस डेट्स आर ऑर्गेनिक डेट्स। जब सीजन लगेगी आप इनको कॉन्टेक्ट करना खारिक के लिए, ये सप्लाई करेंगे जून महीने में। जून में स्टार्टिंग और एंड में। स्टार्टिंग और एंड, उसके बाद चल हो जाएगा। वी आर गोइंग बैक होम। सो इट्स लंच टाइम नाउ। रोटी सब्जी गार्लिक चटनी छाछ वगारियू मिर्ची का अचार एंड गुड़। कच्ची बियर पिए जे। सो आफ्टर हैविंग अ डिलीशियस लंच वी हैड अ 2 आवर्स नैप। रिचार्ज हो गए हम पूरे तरीके से और अभी हम बैठे हैं पीने चाय। चाय पीने के बाद विल कंटिन्यू अवर जर्नी टुवर्ड्स गांधीधाम। सो दिस वुड बी द एंड ऑफ द ब्लॉग ऑफ अ यूनिक विलेज लाइफ एक्सपीरियंस इन कच्छ। कमेंट करके बताइए कि आपको ये यूनिक ब्लॉग कैसा लगा
and we will keep on making such vlogs. Do like, share, comment and subscribe. Thank you.